बलिये में इस बार नच से ज्यादा ड्रामा देखने को मिल रहा है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि इस बार के नच बलिये में नच कम और नौटंकी ज्यादा हो रही है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, नच के शो में नाच की जगह चोट और नखरों की बात ज्यादा चल रही है। कभी किसी कंटेस्टेंट को चोट लग जाती है तो कभी कोई घायल हो जाता है, और अगर इस बात पर भी बात नहीं बनती तो शो के कई कंटेस्टेंट ऐसे ऐसे नखरे दिखा रहे हैं या किसी तरह की बातें कर रहे हैं जिससे शो में कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है। अगर सबसे पहले बात चोट की करें तो उसकी कहानी पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। जो कंटेस्टेंट इस शो में पार्टिसिपेट करने से पहले ही उन पर ये शो भारी पड़ा। नंबर वन, सबसे पहले घटना हुई कुंडली भाग्य की फेमस एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य के साथ, जिन्हें डांस परफॉर्मेंस करते हुए सर में चोट आई थी। साथ ही साथ श्रद्धा को इसी दौरान बैक इंजरी से भी गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से नाच करना तो दूर, श्रद्धा हाथ पैर मूव करने तक की हालत में नहीं थी। नंबर टू, उसके बाद चोट लगी इस बार के 9वें सीजन के सबसे मजबूत दावेदार फैजल खान को। चोट इतनी गहरी थी कि फैजल को शो छोड़ने के साथ साथ एक बड़ी सर्जरी भी करवानी पड़ी। नाच के मंच पर फैजल के साथ हुए हादसा उनके लिए ना सिर्फ एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ, बल्कि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर पर भी इसकी वजह से फर्क पड़ा है। नंबर थ्री, कंटेस्टेंट्स को चोट लगने का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ। शो के दूसरे कंटेस्टेंट सौरभ राज जैन और रिद्धिमा जैन की जोड़ी को भी इसी हालात से गुजरना पड़ा। बता दें कि सौरभ की वाइफ रिद्धिमा को सेट पर चोट लग गई थी। डांस रिहर्सल्स के दौरान रिद्धिमा फिसल गई और उनकी ठोड़ी पे चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उन्हें स्टिचेस लगाए गए। एंड नंबर फोर, इसके बाद नंबर आया टीवी की मशहूर बहू और वैम अनीता हंसनंदानी का, जिनके हस्बैंड रोहित को हेपेटाइटिस ए हो गया था। रोहित की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो कई एपिसोड्स में हिस्सा भी नहीं ले पाए थे। वेल, इस बार चोट ही नहीं, नाच के मंच पर इस बार कंट्रोवर्सी ने भी खूब धूम मचाई है, और कंट्रोवर्सी के सेंटर में रहे हैं विशाल और उनकी एक्स पार्टनर मधुरिमा तुली। जी हाँ, इस एक्स कपल की लड़ाइयां नाच से ज्यादा चर्चा में रही। दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते, और तो और कई बार सेट पर ऐसे मौके भी आए कि दोनों के बीच के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। इसके अलावा टीवी की कुमालिका रही उर्वशी ढोलकिया और उनके एक्स पार्टनर अनु सचदेवा को लेकर भी बीच में काफी कंट्रोवर्सी चलती रही। अभी हाल ही में जब उर्वशी ढोलकिया शो से बाहर निकली तो उन्हें शो के फॉर्मेट पर ही सवाल उठाया, जिसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई। कुल मिलाकर नच बलिये का ये 9वां सीजन काफी तरह की कंट्रोवर्सी से भरा हुआ साबित हुआ, जहां पर नच कम और ड्रामा ज्यादा हुआ।